तो फाइनली भाई एक दिन 15 मिनट की देरी से हमारी गाड़ी आ गई है मडगांव रेलवे स्टेशन पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप सभी के सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है भाई 12 जुलाई सुबेरे का टाइम हो रहा है भाई 6:15 और जो आज की हमारी ट्रेन है वो है भाई पुणे एर्नाकुलम सुपर फास्ट एक्सप्रेस। गाड़ी का नंबर है 22150 और भाई मडगांव में हमारी गाड़ी का पहुंचने का टाइम है 7 और भाई आज हम इस गाड़ी को जो है पकड़ने वाले हैं वो है मडगांव से। तो अब भी भाई टाइम हो रहा है 6:15। आपको लग रहा है हमारी गाड़ी भाई बिल्कुल राइट टाइम है, 7 आएगी 40-45 में हम भाई उसमें बज के चढ़ जाएंगे और भाई एर्नाकुलम पहुँच जाएंगे। बट भाई ऐसा नहीं है, हमारी गाड़ी भाई ऑलमोस्ट 24 लेट है। 11 की हमारी टिकट की बुकिंग थी और भाई कल के हम ना स्टेशन पे ही वेट ही कर रहे हैं भाई 24 भाई 11 की बजाय 12 की सुबह को आ रही है। तो भाई हम ना इस गाड़ी को मडगांव से पकड़ने वाले हैं और ये जो गाड़ी है टोटल डिस्टेंस कवर करती है पुणे से एर्नाकुलम के बीच में 1372 किलोमीटर। बट भाई हम इसको पकड़ेंगे मडगांव से। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई 24 गाड़ी लेट है, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। वीक में 2 चलती है हमारी गाड़ी वाया पनवेल होके। तो चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो भाई अभी हम एंट्री कर रहे हैं मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अगर बात करें मडगांव जंक्शन की तो यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म है 6। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, रिटायरिंग रूम, बुक स्टॉल, फूड कोर्ट, लेडीज़ वेटिंग हॉल, एसी लाउंज, रेस्टोरेंट, जनरल टॉयलेट। और भाई सीध में डिस्प्ले में शो रहा है हमारी गाड़ी भाई 6:45 पे आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर शो नहीं कर रखा, इसका मतलब भाई हमारी गाड़ी पूरे 23:45 लेट आ रही है भाई। तो ये है गोवा का भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1। एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सीध में खड़ी है भाई चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसी ट्रेन में हम आए थे भाई, अभी ये चल रही है कैंसिल, क्योंकि भाई पनवेल के वहाँ पे जो टनल है ना भारी बारिश के कारण भाई वहाँ पे पानी वानी भर गया, तो काफ़ी सारी ट्रेनें लेट हो गई है। इसी के चक्कर में भाई हमारी गाड़ी भी 24 लेट आई है और भाई से ने तो डरा दिया मेरे को ही, और ये भी कैंसिल हो गया। तो चलो देखते हैं हमारी गाड़ी कौन सी प्लेटफॉर्म पे आती है। अभी हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और भाई मौसम बस पूछो ना कब बारिश हो जाए, कुछ नहीं कह सकते भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखो भाई कपड़ों की दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी और उस साइड भाई जूते चप्पल पर्स बैग आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सही है भाई, गोवा में उतरो यहीं कपड़े वपड़े खरीदो और सीधा भाई बीच पे जाके भाई छलांग मार दो। सही है भाई। तो हम भाई मडगांव में खड़े हैं और भाई मडगांव को जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 3 अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जाती है। एक भाई एक दिशा यहाँ से मंगलुरु जहाँ पे हम जाने वाले हैं, एक रूट यहाँ से निकल जाता है कुलेम होते हुए पुणे की तरफ, और एक रूट यहाँ से निकल जाता है भाई मजोरदा जंक्शन की तरफ। जो भाई जंक्शन है वहाँ से एक रूट कट जाता है वास्को डी गामा के लिए और एक रूट वहाँ से चला जाता है भाई सूरत वडोदरा की साइड चला जाता है, इसीलिए भाई मडगांव को मडगांव जंक्शन भी कहते हैं। सीध में खड़ी है भाई गोवा संपर्क क्रांति जिसमें हम आए थे। ये वाला डिब्बा था हमारा A6, इसी में हमने पूरी भाई 1.5 की जर्नी कर रही थी। आपने शायद देखा भी हो मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो फाइनली भाई एक दिन 15 मिनट की देरी से हमारी गाड़ी आ गई है मडगांव रेलवे स्टेशन पे। धन्यवाद भाई आ गई तू, वरना हमारी जो अगली ट्रेनें थी ना वो तो पक्का गई थी। 24:15 की देरी से हमारी गाड़ी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये रहा भाई हमारा S6, देखते हैं भाई कितना तो अच्छी खासी भीड़ आई थी मेरे ख्याल में। भाई 3 पे लगी अपनी पुणे एर्नाकुलम सुपर फास्ट एक्सप्रेस और 2 से जा रही है भाई शालीमार एक्सप्रेस जो चलती है वास्को डी गामा और शालीमार के बीच में। तो चलो S6 के अंदर चलते हैं भाई, एक दिन बाद जो हमारी ट्रेन लेट आई है। और ये कुछ अंदर का इंटीरियर है, पहले तो भाई अपना बैग रखते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। और ये कुछ हाल है अपनी गाड़ी का। ये बैग किसका है यहाँ पर भाई?
पूछा यार कभी कुछ हो इसमें, विस्फोटक पदार्थ हैं। तो ये है अपनी सीट 54 अपर वाली और एक ये मिडल। बट भैया आज अपनी सारी सीटें हैं, जहाँ तेरा मन करे वहाँ बैठ जाए। सबसे पहले ताली बजा दे, हमारी गाड़ी एक दिन लेट आई है। सिस्टम है भाई, सिस्टम देखती है गाड़ी कितनी देर यहाँ रुकती है। तो भाई 20 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी है मड़गांव से 7:35 पे। अगला जो हमारा स्टॉप होने वाला वो है भाई कारवार, यहाँ से पड़ता है 58 किलोमीटर दूर। सीध में घड़ी है भाई गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसको करते हैं बाय बाय, गोवा को भी करते हैं बाय बाय। देखते हैं फिर कभी भाई यहाँ पे कब और कौन सी ट्रेन से आने का मौका मिलेगा। जंक्शन कह दे रहे क्योंकि यहाँ से भाई वो वाला रूट अलग हो जाता है। आपको उसी वाले रूट पे देखने को मिलेगा दूध सागर वाटरफॉल। तो भाई एक दिन 20 मिनट की देरी से हमारी गाड़ी आ गई है अपने पहले स्टॉप। गाड़ी का तो पहला स्टॉप नहीं है, हमारा पहला स्टॉप है कारवार, जो पड़ता है भाई कर्नाटका में मड़गांव से 58 किलोमीटर दूर। हमारी गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है और आते ही भाई इतनी तगड़ी ज़्यादा बारिश हो गई है यहाँ पे। देखते हैं भाई अगला स्टॉप आई थिंक हमारा 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है। तो 2 मिनट का हमारा स्टॉप है और चलते हैं गाड़ी के अंदर। कैसा हो रहा है मौसम? बहुत मस्त हो रहा भाई, मस्त हो रहा। नाले फिर जाके ये देखो भाई स्टेशन की लोकेशन देखो क्या भाई। हाँ हाँ यूट्यूब चैनल, यू नो हिंदी लिटिल बिट नो, तो देन यू गो। 5 मिनट के स्टॉप के बाद भाई हमारी गाड़ी चल पड़ी है कारवार से और सीध में खड़ी है पंचगंगा एक्सप्रेस, जो भाई यहीं तक ही है और ये चलती है बेंगलुरु से कारवार के बीच में। तो हमारा भाई अगला स्टॉप, भाई मेरे को स्टेशन का नाम नहीं पता, साउथ के स्टेशन बड़े अजीब अजीब से होते हैं। स्टेशन हमारा आई थिंक अराउंड 150 से 160 किलोमीटर दूर बाद है। तो हमारी गाड़ी अब नॉन स्टॉप चलने वाली है 2.5 से 3 घंटा। गोवा से हमारी गाड़ी चल पड़ी है, अब उडुपी आने वाला है और भाई तब से बारिश लगातार आई जा रही है, आपको दिख ही रहा होगा, रुकने का भाई नाम ही नहीं ले रही है। अपना कैमरा जैसे ही बाहर निकाल रहा हूँ भाई झट से गीला हो जा रहा है सारी जगह, देखो भाई हाथ मुंह सब कुछ मेरा गीला हो चुका है सारा भाई, पानी ट्रेन छप छप हो रखा है और बाहर देखो भाई क्या नज़ारे हैं। वाह भाई इससे ज़्यादा कैमरा बाहर लेके जा रहा हूँ ना तो समझ लो भाई बस कैमरे की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। 1 मिनट के स्टॉप के बाद भाई हमारी गाड़ी चल पड़ी है उडुपी से। अगला जो हमारा स्टेशन होने वाला है वो है मैंगलुरु जंक्शन और भाई साउथ में इतनी खतरनाक बारिश होती है भाई और इतनी ग्रीनरी है हर जगह, नॉर्थ इंडिया वालों देख लो भाई क्या ही मज़ा आता है अगर चारों तरफ भाई पेड़ ही पेड़ हो तो ट्रैवल करने में। और इस साइड का भी हाल देखो भाई, इस प्लेटफॉर्म इस स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म उडुपी और ये है कुछ स्टेशन ऐसा दिखाई देता है और प्लस ऐसी बारिश और भाई मैं भी भीग चुका हूँ पूरा बार बार वीडियो बनाने के चक्कर में। तो चलो अब आपसे मिलते हैं सीधा भाई मैंगलुरु जंक्शन में, उससे पहले आपको भाई खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे। तो बाय बाय।
हमारी गाड़ी आ गई है मैंगलुरु जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAJN। यहाँ पे हमारी गाड़ी का पहुँचने का टाइम था कल दोपहर के 1:45, बट भाई हमारी गाड़ी आ रही है आज दोपहर के 1:10 पे। हमारी गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और भाई सीध में खड़ी है कोचवेली मैंगलोरी अनंतोदया एक्सप्रेस, और भाई इसी वाली लाइन पे आगे खड़ी है सैफ्रोन वंदे भारत। तो भाई बारिश तो गई गोवा से हमारे साथ ही साथ आई जा रही है। ये खड़ी है हमारी भाई पुणे एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इसके बाद देखेंगे भाई खाना वाना पेंट्री भी अवेलेबल है हमारी गाड़ी में, तो देखते हैं भाई खाना टेस्ट में कैसा रहेगा इस गाड़ी का और आपको हम जरूर बताएंगे। और बारिश यार रुक जा भाई, इस चक्कर में ना मैं बाहर के शॉट ढंग से ले ही नहीं पा रहा हूँ। है ये कैमरा ज़्यादा नहीं 1.5 करोड़ का लिया था। हाँ जी मजा कर आप भी आ रहे हैं YouTube पे वीडियो डालते हैं। देखते हो YouTube देखते हैं। आपको हिंदी आता है यहाँ पे, मैं तो हैरान हो गया है। हिंदी आता है कहाँ से सीखा यहीं सीखा या अच्छा यहाँ हिंदी है। चलो फिर बढ़िया, देख लो आराम से, मेरे को भी देख लो हम भी है। ये तो भाई हमारी गाड़ी चल पड़ी है मंगलुरु जंक्शन से, और सीट में देखो भाई वंदे भारत लगा रखी है सैफ्रन वाली। वाह बारिश भी रुक गई है भाई, मजा आ गया। बारिश आनी नहीं चाहिए भाई, दिमाग खराब हो गया, गोवा से अभी तक लगातार बारिश आई जा रही है। मंगलुरु जंक्शन ये जो आप लाइन देख रहे हो ये जो जा रही है मंगलुरु सेंट्रल की तरफ। हमारी गाड़ी आई है भाई मंगलुरु जंक्शन साउथ की तरफ से, यहां से पड़ता है मंगलुरु सेंट्रल, लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा। गाइस अभी हमारी ट्रेन चल रही है फ्लैट 100 की स्पीड पे। हम भाई पेंट्री कार में गए थे, खाना वाना देखने गए थे भाई, भूख सी लग रही थी, बट भाई वहाँ पे रोटी दाल चावल ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको भाई समोसा वड़ा पाव वगैरह वगैरह चिकन बिरयानी वेज बिरयानी ये चीज़ें अवेलेबल थी। तो भाई हमने सोचा चलो छोड़ो आगे किसी स्टेशन से हम खाने को देख लेंगे। अगर बात करें भाई कोच के इंटीरियर की, तो भाई जो स्टाफ है भाई साफ़ सफाई वाला वो काफ़ी भाई ख्याल रख रहा है अपने डिब्बे का, बार बार आगे पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू लगा के जा रहा है। और भाई आपको देखने को मिलेगा इसमें एक छोटा सा शीशा, और भाई ये जो सर्किट है चार्जिंग वाला ये आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा और एक आपको उस साइड मिलेगा। ऑल ओवर भाई बढ़िया है, साफ़ सफाई के मामले में ठीक ही है, लेकिन कोच काफ़ी पुराना है। अगर बात करें भाई फेयर की, तो पुणे से एर्नाकुलम तक का टोटल फेयर है 695 रुपये स्लीपर क्लास का। हमने ये ट्रेन भाई बोर्ड करी थी मडगांव से और एर्नाकुलम के बीच में, जिसका फेयर हमको पड़ा 465 रुपये। तो अभी मस्त गाड़ी चल रही है भाई, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप भी बाहर आने लगी है। अगले स्टेशन पे देखते हैं हमें खाने को क्या मिलेगा भाई, ट्राई करेंगे नॉर्थ इंडियन ही हमको खाने को मिले। अगर भाई ट्रेन के वॉशरूम की भी बात करें ना, तो भाई वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा साफ़ है भाई, बार बार आके भाई जो स्टाफ है वो वॉशरूम को साफ कर करके जाता है। अभी मैं बाहर का थोड़ा सा शॉट लेने आया था, तब भी भाई कुछ भाई यहाँ पे वॉशरूम की सफाई में लगे हुए थे, आप खुद ही देख सकते हो। तो चलो बाहर के कुछ नज़ारे लेते हैं।
सारी गाड़ी अभी निकली है केरला के कन्नूर से, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि भाई बाहर हो रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश और मेरा कैमरा गीला हो जाता है। अभी पेंट्री से मैंने लिया वड़ा पाव, ये पड़ा है मेरे को 30 रुपये का, वैसे तो ठंडा है बट भाई काम चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई पेंट्री में रोटी सब्जी डाल ये तो मेरे को मिला नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट करके बताते हैं भाई कैसा है इस गाड़ी का वड़ा पाव। ठीक है भाई, गर्म होता तो और भी बढ़िया लगता बट एवरेज है भाई, 10 में से 6 नंबर। काम तो चल ही जाएगा शाम तक का, शाम को कुछ देखेंगे बढ़िया खाने का। पड़ेगा भाई ओवरटेक हमारी ट्रेन का वंदे भारत से, कौन से रेलवे स्टेशन पे? ये है भाई अड़कड़, कैसा स्टेशन का नाम है भाई। सीन में देखो गाइस, पीछे समुंदर आपको दिखाई दे रहा हो नहीं दिखाई दे रहा हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल समुंदर के साथ साथ हमारी ट्रेन चल रही है। ये देखो गाइस, समुंदर पीछे और आगे आगे हमारी ट्रेन। टाइम हो रहा है शाम से 5 और हमारी ट्रेन ने भाई अभी तक पुणे से 1170 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लिया है। हमने जब अपनी जर्नी कवर करी है भाई मड़गांव से अभी तक 537 किलोमीटर। तो भाई बारिश तो रुकती नहीं है भाई, बारिश तो भूल जा, अभी तो भीग गया थोड़ा सा शोक लेने के लिए। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थिंक हमारी गाड़ी खड़ी है और प्लेटफॉर्म का मेरे को नहीं पता है यहाँ पे टोटल कितने प्लेटफॉर्म है, तो अभी लगभग हमारे को लगेगा 2 से 3 घंटा और लगेगा एर्नाकुलम पहुँचने के लिए। वैसे भाई हम जा रहे हैं एर्नाकुलम से भी आगे कन्याकुमारी, क्योंकि भाई कन्याकुमारी से हमारी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि है भाई भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, जो कि लगभग ट्रैवल करती है 4162 किलोमीटर आई थिंक। तो भाई इसके लिए हम जा रहे हैं विवेक एक्सप्रेस के लिए। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है भाई कोशिकोड का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और भीड़ देखो भाई काफ़ी अच्छी खासी है। खाने पीने के स्टॉल आपको भाई सभी कुछ मिल जाएगी, हम यहाँ से बिस्कुट के पैकेट अभी खरीद लेंगे तो, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो भाई कोच के अंदर चलते हैं, गीला गीला बिल्कुल भी अच्छा सा फील ही नहीं हो रहा भाई, भीग ही जाते हैं भाई वीडियो बनाने के चक्कर में। हम तो तो भाई टाइम हो रहा है शाम के 6:30, हमारी गाड़ी आ गई है सोनूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ से भाई 109 किलोमीटर दूर पड़ता है एर्नाकुलम जंक्शन और इसको भाई जंक्शन पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 4 अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें चली जाती है। जैसे एक रूट यहाँ से कोयम्बटूर, एक रूट यहाँ से नीलामपुर रोड और एक रूट जहाँ से हम आए मतलब मड़गांव और एक हम जहाँ पे जाएंगे एर्नाकुलम की तरफ, इसलिए भाई इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। हमारी गाड़ी यहाँ पे भाई लगभग 23.5 घंटे लेट आई है, कल आने का टाइम था इस टाइम यहाँ पे बट हमारी गाड़ी यहाँ पे आ जा रही है। 5 मिनट का हमारी गाड़ी का स्टॉप है और ये है भाई सोनूर का एक प्यारा सा रेलवे स्टेशन। शांति देखो कितनी और साफ सफाई देखो भाई, बिल्कुल A1। बारिश भाई अभी अभी रुकी है वरना सारे रास्ते टप 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 करती हुई आ रही थी।
तो हे गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई भाई एर्नाकुलम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और भाई यहाँ पहुँचने का टाइम था हमारा 9:55 रात के, बट भाई हमारी गाड़ी पूरे 23 घंटे लेट आई है, मतलब 9 ही आई है, उसके अगले दिन आई है। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई यहाँ से हम निकल जाएंगे त्रिवेंद्रम, वहाँ से फिर भाई आगे हम कन्याकुमारी, क्योंकि परसों हमारी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। गाड़ी का एक्सपीरियंस बताए तो भाई गाड़ी काफ़ी बोरिंग सी थी, क्योंकि भाई जब लोग ही नहीं थे तो किन से बात करें यार, कोई मजा वजा कुछ आए नहीं खास। तो चलो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।